जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा दिन खेला जा रहा है, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि अब दूसरे दिन के मैच के दौरान BCCI ने और विराट कोहली ने मिलकर लिया ऐसा बड़ा फैसला कि बदल डाली पूरी प्लेइंग 11 टीम। अब आप सभी को मैदान पर नजर आएंगे ये सभी नए खिलाड़ी। तो दोस्तों, आखिरकार प्लेइंग 11 टीम में क्या बड़े बदलाव हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब साउथैम्पटन में हो रही थी बारिश, तब टीम इंडिया के खिलाड़ी कुछ इस तरह से कर रहे थे एंजॉय। देखने के बाद वीडियो आप भी हंस पड़ोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां दी रोज बाउल स्टेडियम में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस हुए बिना ही स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। तो वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला आज से होना था, जहां पर लेकिन इस खिताबी मुकाबले के पहले ही दिन बारिश ने खलल डाला और जिस कारण मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका और जिसके चलते स्टंप्स की अनाउंसमेंट अंपायरों ने करी। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि टॉस होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण टॉस में विलंब हुआ था। लेकिन लगातार बारिश होने और मैदान गीला होने के कारण पहला सत्र पूरी तरीके से धुल गया और इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश बंद हुई और लगा कि मैच होने की अब संभावनाएं। लेकिन फिर से बारिश आने के कारण यह उम्मीद भी धूमिल हो गई और अंत में पहले दिन का मुकाबला रद्द करने का फैसला किया गया। तो वहीं दोस्तों, भारत ने गुरुवार को ही इस मुकाबले के लिए अंतिम एकादश की घोषणा कर दी थी, जिसमें उसने 2 स्पिनरों और 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया। हालांकि पहले दिन का खेल बारिश के कारण धुलने के बाद टीम इंडिया के पास अभी भी इसमें परिवर्तन करने का मौका है और ऐसे में अब आप सभी को जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होने वाला है उसके लिए एक अलग प्लेइंग 11 टीम दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि आज जब दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा तो ये अपने निर्धारित समय भारतीय समय अनुसार शुरू होगा और आज टॉस करवाया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें अब भारत की प्लेइंग 11 टीम में क्या बड़े बड़े बदलाव होने संभव है, तो दोस्तों इस महामुकाबले के दौरान रोजाना बारिश का जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए कंडीशन ज्यादा मददगार होंगी। और ऐसे में अगर फैंस को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 टीम में 3 के बजाय 4 सीमर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसको देखकर कोई हैरानी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब देखना होगा कि कप्तान विराट कोहली किस खिलाड़ी को बाहर करते हैं और किस खिलाड़ी को इनकी जगह पर शामिल करते हैं। हालांकि भारतीय प्लेइंग 11 टीम जरूर अब बदली हुई आपको नजर आने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जब साउथैम्पटन में हो रही थी बारिश, तब टीम इंडिया के खिलाड़ी कुछ इस तरह से कर रहे थे एंजॉय। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां दी रोज बाउल स्टेडियम में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पहला दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस बिना हुए ही स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। और ऐसे में पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ने से खिलाड़ी और फैंस दोनों ही निराश हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी साउथैम्पटन में बारिश के बावजूद एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, BCCI ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और कोचिंग स्टाफ भी गेम ऑफ डार्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में रविचंद्रन अश्विन सबसे ज्यादा इस गेम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे को जमकर शेयर भी कर रहे हैं। बाकी आप भी इस वीडियो को देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। बाकी आपकी क्या राय है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी कि 18 जून के दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला था, लेकिन दोस्तों बारिश के खलल की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच में ये मुकाबला नहीं हो पाया। जहां पर टीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक न्यूज शेयर करते हुए ये भी बताया था कि पहले सेशन में कोई भी मैच नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आज पहले दिन के 30 ओवर तो बारिश की भेंट ही चढ़ गए। और ऐसे में अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, यह अपडेट भारतीय क्रिकेट फैंस और न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस के
के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बारिश अब रुक चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, जो बारिश कल यानी कि 17 जून से लगातार होती चली आ रही थी, अब वो दूसरे सेशन के दौरान रुक चुकी है। जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, टॉस करवाया जाएगा, जहां पर टॉस करवाने के आधे घंटे बाद भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आमने सामने भिड़ेंगी। और हां दोस्तों, लगभग ये मुकाबला आप सभी को 7:30 बजे से होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, ये काफी बड़ी अपडेट आई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में, और आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जो ने इस बारिश को लेकर काफी बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जहां पर कुछ ने तो आईसीसी से सीधा मांगी कर डाली है काफी बड़ी बड़ी। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या क्या बोला है। तो दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहला बयान निकल कर आता है वो है माइकल वॉक का, जहां पर माइक के खिलाफ बात करें आगे बढ़ते अगले बयान, तो एम10 की बारिश ने भारत को जीतने से रोक लिया और अब तो ऐसा लगता है कि ये मैच ड्रो ही होगा और भारत और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर केविन पीटरसन ने भी काफी बड़ा बयान दिया। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है शोएब अख्तर का, जहां पर शोएब अख्तर ने कहा कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला रद्द होता है तो अंक तालिका में पॉइंट्स के आधार पर टॉप की टीम को विजेता घोषित करना चाहिए और इसमें आईसीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित करे, कोई एक टीम ही विजेता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर शोएब अख्तर ने भी काफी बड़ी मांग की है आईसीसी से। तो बात करें आगे बढ़ते अगले बयान, आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और अगर ये मैच तय समय पर होता तो शायद हम सभी को काफी ज्यादा मजा आता, लेकिन खैर जो भी हो, कुदरत का करिश्मा है। अगर बारिश हो रही है तो मैच भले ही देरी से चालू होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। और भारत, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इन सभी दिग्गजों के बयानों के बारे में और आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बीसीसीआई ने सीडब्ल्यूआई से मिलाया हाथ, आईपीएल 2021 से जुड़ी बाधा हुई दूर। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेट एक दूसरे में ओवरलैप किए बिना ही हो सकते हैं, जहां पर सीपीएल के आयोजकों ने बीसीसीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और सीपीएल की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है, ताकि 14 सितंबर के बाद उपलब्ध सीमित विंडो में आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैचों का आयोजन हो सके। तो वहीं सीपीएल के समाप्त होने तक भारतीय टीम भी सीरीज खेलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है। बाकी आपकी क्या राय इसके अपडेट के बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।